पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। वहीं प्रमोद तिवारी ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन न कराना आदिवासियों का अपमान है। हम लोगों के बारंबार अनुरोध के बावजूद भी उनसे महामहिम राष्ट्रपति जिससे इसका उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, अब शायद महामहिम राष्ट्रपति जी का इतना दोष है, हम लोगों के लिए तो आदरणीय कि वो आदिवासी हैं, महिला हैं, और इस देश का दुर्भाग्य, मैं और किसी का दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, ये एक ऐसा राजा है इस देश में जिसे अपनी फोटो और उसकी फ्रेम में कोई दूसरा पसंद नहीं आता। पत्थर में किसी और का नाम हो जाए, इतिहास जब पढ़ा जाए, वो नाकाबिले बर्दाश्त है।